हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। यहाँ पर मैं एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ। मेमोरी बेस्ड प्रॉब्लम है, गेट 2019 सिविल इंजीनियरिंग 4-1 सेशन में पूछा गया है फॉर 2 मार्क्स। एंड द प्रॉब्लम इज अ स्क्वायर फुटिंग ऑफ साइड 4 मीटर एम्बेडेड इन अ सैंडी सॉइल एट अ डेप्थ ऑफ 1 मीटर। तो 4 मीटर का एक मेरे पास स्क्वायर फुटिंग है, मतलब 4x4 मीटर का, और वो किसी 1 मीटर डेप्थ सैंडी सॉइल में एम्बेडेड है। यूनिट वेट ऑफ दैट सैंडी सॉइल इज 15 kN/m³ दिया है एंड द अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी फॉर द बियरिंग फैक्टर 18.75 इज 600 kN/m² दिया है। यदि देन द नेक्स्ट इज इफ फुटिंग इज एम्बेडेड इन द सेम सॉइल डेप्थ ऑफ 2 मीटर द सेफ बियरिंग कैपेसिटी विथ फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 इज इन kN/m². मतलब हमें क्या दे रखा है, एक कंडीशन दे रखा है जब फुटिंग 1 मीटर पर एम्बेडेड है उस टाइम पर जो सेफ बियरिंग कैपेसिटी अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी आ रहा है वो 600 kN/m² आ रहा है। मुझे कहा गया है कि यदि सेम फुटिंग यदि 2 मीटर पर यदि रखा जाए, एम्बेडेड किया जाए, 2 मीटर डेप्थ ऑफ फुटिंग रखा जाए, तो उस कंडीशन में सेम सॉइल में कितना बियरिंग कैपेसिटी आएगा, सेफ बियरिंग कैपेसिटी विद अ फैक्टर ऑफ 53। तो इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने देखा कि मुझे दे रखा है, यदि मैं बात करूँ स्क्वायर फुटिंग की तो मेरे पास फॉर्मूला होता है स्क्वायर फुटिंग के केस में 1.3। इस पर तर्जागी मेरे से पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये तर्जागी से पूछा गया था, तर्जागी का इक्वेशन मुझे यूज़ करना था। तो इक्वेशन है मेरे पास 1.3 CNC प्लस सिग्मा बार NQ प्लस हाफ, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा आपका फॉर स्क्वायर फुटिंग 0.4 B γ N γ। ये इक्वेशन होता है मेरे पास जब भी मेरे पास स्क्वायर फुटिंग होती है, तो तर्जागी का मॉडिफाइड इक्वेशन यूज़ करते हुए मैं इक्वेशन लिख देता हूँ। और यदि जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ तो मैं देखता हूँ यहाँ पर मुझे क्या दे रखा है। उन्होंने कहा है कि जो सॉइल दे रखा है वो किसी सॉइल है, कोहेजन लेस है, सैंडी सॉइल है। जब भी सैंडी सॉइल होती है इट इज़ कोहेजन लेस सॉइल। तो इस इक्वेशन का पहला टर्म मैं क्या कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि कोहेजन सी का वैल्यू क्या हो चुका है यहाँ पर 0 हो चुका है। तो पहला टर्म मैं इग्नोर कर रहा हूँ। सेकेंड टर्म मैं लिखता हूँ तो मुझे मिलता है सिग्मा बार। सिग्मा बार मीन्स ओवरबर्डन, है ना। सिग्मा बार मतलब आपके पास कितना ओवरबर्डन प्रेशर है फुटिंग पर, दैट इज यूनिट वेट इनटू डेप्थ ऑफ फुटिंग। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हो जाएगा मेरे पास गामा इनटू डीएफ एनक्यू प्लस 0.4 B γ N γ का वैल्यू, अल्टीमेट कैपेसिटी दे रखा है यहाँ पर 600 kN/m². अब मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, 600 इज इक्वल टू गामा दे रखा है मेरे पास यहाँ पर 15 kN/m³, डेप्थ ऑफ फुटिंग 1 मीटर दे रखा है। उन्होंने कहा है जब 1 मीटर पर एम्बेडेड होता है, यहाँ पर 1 मीटर पर एम्बेडेड है, तो उस टाइम पे जो मेरे पास अल्टीमेट कैपेसिटी है वो कितनी दे रखी है, 600 kN/m² दे रखा है। तो यहाँ पर मैंने 600 रखा, डेप्थ ऑफ फुटिंग इतना रखा 1 मीटर, और ये ओवरबर्डन प्रेशर आ गया 15 × 1 से, ये NQ हो गया, प्लस यहाँ पर 0.4 B जो था ये साइड है फुटिंग का 4 मीटर दिया है, इनटू यूनिट वेट 15 दे रखा है, और N गामा का वैल्यू दे रखा है 18.75। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, आप देखेंगे मुझे केवल एक ही बियरिंग फैक्टर दिया गया है N गामा, NQ का वैल्यू मिसिंग है। मतलब मैं यहाँ से क्या करने वाला हूँ, पहले NQ का वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। तो मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर जो वैल्यू मिल रहा है सेकंड टर्म में वो मिल रहा है 450। ये टर्म है मेरे पास 450, ये है मेरे पास 600 माइनस 450 इज 150 डिवाइड बाई दिस 15 विल बी 10। सो द वैल्यू ऑफ NQ वी आर गेटिंग इक्वल टू 10। तो यहाँ पर मुझे NQ का वैल्यू मिल चुका है। अब क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, और उन्होंने क्या पूछा है नेक्स्ट में कि इफ़ द फुटिंग इज एम्बेडेड इन द सेम सॉइल एट अ डेप्थ ऑफ 2 मीटर द सेफ बियरिंग कैपेसिटी विद अ फैक्टर ऑफ 53 इज। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास NQ का वैल्यू भी है, मेरे पास N गामा का वैल्यू भी है, मेरे पास डेप्थ ऑफ फुटिंग जो है अब 2 मीटर रखना है, और मैं वापस से मैं क्या निकाल रहा हूँ, अल्टीमेट कैपेसिटी निकाल रहा हूँ यूजिंग द सेम फॉर्मूला। अब मैं अल्टीमेट कैपेसिटी निकाल रहा हूँ, तो गामा की जगह मैं रखूँगा 15। अब यहाँ पे मैं कितना रख दूँ, डेप्थ ऑफ फुटिंग मेरी कितनी हो गई है 2, NQ में निकाल चुका हूँ जिसकी वैल्यू आ रही थी 10, प्लस ये जो टर्म है ये तो सेम रहेगा क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है डेप्थ ऑफ फुटिंग का। तो यहाँ पर ये सेम टर्म में लिख रहा हूँ 0.4 × 4 × 15 × 18.75, है ना। अब इसको यदि मैं सॉल्व करूँ तो अल्टीमेट कैपेसिटी यहाँ पर ये कितना हो रहा है, 15 × 2 = 30, 30 × 10 = 300। और इसको मैंने अभी सॉल्व किया था सेकंड टर्म को, जिसका वैल्यू मेरे पास कितना आ रहा था 450। तो यहाँ पर जो मेरे पास अल्टीमेट कैपेसिटी आ चुका है ये आ चुका है 750 kN
पर मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरे पास अल्टीमेट कैपेसिटी आ गई। निकाला क्या था मुझे, निकालना था मुझे सेफ बियरिंग कैपेसिटी। तो सेफ बियरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला मुझे याद है, सेफ बियरिंग कैपेसिटी इज इक्वल टू नेट सेफ मीन्स नेट अल्टीमेट, नेट अल्टीमेट मीन्स अल्टीमेट अल्टीमेट माइनस सिग्मा बार, ये हो गया मेरा नेट अल्टीमेट, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये हो चुका है मेरे पास नेट सेफ, प्लस इसके अंदर सिग्मा बार में वापस जोड़ दूं तो ये मेरे पास हो चुका है सेफ। तो ये पूरा सेफ बियरिंग कैपेसिटी मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरे पास सभी वैल्यूज अवेलेबल है, देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। अल्टीमेट कितनी निकाल चुका हूँ मैं, 750 निकाल चुका हूँ, माइनस ओवरबर्डन प्रेशर 2 मीटर डेप्थ ऑफ फुटिंग है और यूनिट वेट कितना है मेरे पास 15, तो 15 इंटू 2 कितना हो गया 30, तो ये हो चुका है 30, डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया है 3, प्लस अगेन ओवरबर्डन प्रेशर 15 इंटू 2 30 हो चुका है, तो मैंने 30 रखा। यहाँ पर मैंने क्या देखा, 750 माइनस 30 कितना हो गया है 720, डिवाइड बाय 3 प्लस 30, यदि मैं इसको डिवाइड करूँ तो मेरे पास वैल्यू आना चाहिए 240 प्लस 30, मीन्स द वैल्यू वी आर गेटिंग इक्वल टू 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये था मेरे पास सेफ बियरिंग कैपेसिटी, जिसका वैल्यू मुझे मिल रहा है यहाँ पर 2 मीटर डेप्थ फुटिंग के लिए, 2 मीटर डेप्थ ऑफ फुटिंग के लिए 270 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। थैंक यू।